हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू योर ई लर्निंग स्पेस दैट इज़ पढ़ो इंडिया बढ़ो इंडिया। नमस्कार दोस्तों, पढ़ो इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप्स। जी हाँ दोस्तों, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस जिनके बहुत ज़्यादा हैं और जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए भी हैं, तो ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले रेड क्रॉस। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1863 में और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। रेड क्रॉस जो है ये शांति के लिए भी इसे कई बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अगला है यूरोपियन यूनियन। 1965 में यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसे IOC के नाम से जानते हैं, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1894 में और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1966 में। अगला है द कॉमनवेल्थ का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1926 में। जो कॉमनवेल्थ है ये केवल उन देशों का एक समूह है जहां पर ब्रिटिश राज चलता था, केवल वो राष्ट्र इसमें सम्मिलित हैं जो कभी इसके ब्रिटेन के अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, जहाँ इनकी सत्ता चलती थी, उन राष्ट्रों के ग्रुप को कहते हैं कॉमनवेल्थ। लेकिन बाद में इसमें कई कंट्रीज को इंक्लूड किया है, इसमें कॉमनवेल्थ गेम हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट है ब्रिक्स, इस्टेब्लिश हुआ था 2006 में, इसका कोई स्पेसिफिक हेडक्वार्टर नहीं है। ब्रिक्स एक 5 देशों का समूह है, बी से है ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो पहले ये केवल 4 देशों का था ब्रिक BRIC, लेकिन लास्ट में जुड़ा है साउथ अफ्रीका तो ये बन गया है ब्रिक्स। ये 5 देशों का, विकासशील देशों का समूह है। नेक्स्ट, अरब लीग इस्टेब्लिश इन 1945 और इसका हेडक्वार्टर है कायरो इजिप्ट में। नेक्स्ट, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO इस्टेब्लिश्ड इन 1996, हेडक्वार्टर इज इन बीजिंग चाइना। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1947 में और हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि ISO से थोड़े जो तथ्य हैं वो आपको बता देते हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि यदि कोई कंपनी का बल्ब बनता था तो वो जैसे उसका होल्डर भी उसी कंपनी का बनता था, आप किसी और होल्डर में उस कंपनी का बल्ब नहीं लगा सकते थे। जो फिट होता था वो जो उसका स्पेसिंग थी, ये सब चीज़ें केवल एक ही का था। यदि आप दूसरी चीज़ ले लें कि जैसे अगर आप मान लें, और छोटा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, तो अगर आप माउस ले रहे हो किसी कंपनी का, कई सारी कंपनियां माउस बनाती हैं, डेल है, ये हैं, वो हैं, तो लेकिन उनका जो USB जो लगाते हैं हम, वो पॉइंट सबका अलग अलग होता था। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने डेल का माउस लेना है तो आपको कंप्यूटर भी डेल का ही लेना पड़ेगा ताकि इन दोनों का कनेक्शन हो। तो मतलब हर कंपनी का अपना अपना अलग स्टैंडर्ड हुआ करता था। लेकिन फिर 1947 के बाद जो ये ISO आया है, इसने ये बोला है कि चाहे आप चीज़ें कुछ भी बनाइए, अगर कोई बल्ब बना रहा है तो उसका जो होल्डर होगा वो ऐसा बनेगा कि हर बल्ब उसमें फिट हो जाए, यानी कि किसी की भी चीज़ किसी में लग जाए, ये एक स्टैंडर्ड बना दिया उन्होंने। तो इस चीज़ को वो रन कर रहे हैं 1947 से। तो कई चीज़ों में आपने देखा होगा कि ISO सर्टिफाइड ये लिखा होता है, तो इसका मतलब यही है कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन से सर्टिफाइड है। नेक्स्ट, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इस्टेब्लिश इन 1949 और हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसकी जो कंट्रीज हैं उन सबका एक ग्रुप है नाटो। मतलब ये वैसे तो सबकी अपनी अपनी आर्मी है, लेकिन जब भी कोई USA पे अटैक करेगा तो उस समय ये सब एक हो जाएंगी और एक रूप से ये नाटो कहलाएंगी, और फिर ये मिलकर के उस हमले को या जो भी कोई ऑपरेशन को अंजाम देना है उसके लिए काम करेंगी। नेक्स्ट,
ओपेक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1959 में। इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। पेट्रोलियम से संबंधित जितने भी हैं उन चीज़ों को ये चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इस्टेब्लिश हुआ है 1961 में, हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये इस्टेब्लिश हुआ है 1961 में और इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। नेक्स्ट नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इस्टेब्लिश इन 1961 में। अगला है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, इस्टेब्लिश इन 1961 और हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस। नेक्स्ट साउथ ईस्ट एशिया टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन सीटो इस्टेब्लिश इन 1954 एंड हेडक्वार्टर इज इन बैंकॉक। नेक्स्ट इंटरपोल इम्पॉर्टेंट वन इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश इन 1923, हेडक्वार्टर इज इन लियोन फ्रांस। नेक्स्ट अपैक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन इस्टेब्लिश इन 1989, हेडक्वार्टर इज इन सिंगापुर। एंड लास्ट वन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन सार्क इस्टेब्लिश हुआ था 1985 में और हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपको कई जानकारियां दी हैं जो इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके जो कब वो इस्टेब्लिश हुए थे और उनका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो क्वेश्चन इसी में से पूछा जाएगा कि ये क्वेश्चन दे देंगे और बोलेंगे कि इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर बताइए या फिर इसका हेडक्वार्टर बताइए, या तीसरी चीज़ ये आ सकती है कि जैसे IOC है IOC की फुल फॉर्म बताइए या ADB है ADB की फुल फॉर्म बताइए। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करी हैं इस वीडियो में, तो ये हेल्पफुल हो सकती है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। और स्टैटिक है ये, कभी बदलती नहीं है, हालांकि कभी हेडक्वार्टर बदल जाए बस बहुत रेयर चांसेस हैं, लेकिन जो इसकी फुल फॉर्म्स हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो रिमेन सेम ही रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें व किसी भी क्वेरी के लिए हमें कमेंट करें या फिर हमें डायरेक्ट लिख सकते हैं pindiabindia@gmail.com पर। वाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।